कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज सुबह की ये देखिए 8:20 हो चुकी है और हाथ मुंह वगैरह सब कुछ धो लिया है मैंने। आज रात को नींद अच्छे से नहीं आई, तो इसलिए आज भी रात को लेट या खुली है, सुबह मतलब मॉर्निंग में। तो हाथ मुंह वगैरह सब कुछ धो लिया है, तो चाय वगैरह भाभी बना दी है, चाय वगैरह पीते हैं और कहाँ गए, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। तो मुझे बताना आप सब लोग कि मॉर्निंग में सुबह सुबह न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है। सब लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन न्यूज़पेपर पढ़ता है, आप किस किस के दैनिक भास्कर आता है, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर किस किस के आता है और कौन न्यूज़पेपर सुबह सुबह मॉर्निंग में पढ़ता है। A few moments later. मैंने शर्ट वगैरह पहन लिया है और अभी मैं और परी के स्कूल जाने वाले हैं, तो चलते हैं स्कूल। मैं और परी आ चुके हैं घर पे और परी का एडमिशन करवाने के लिए गए थे हम स्कूल। पिछले साल करवाया था कुछ महीनों पहले मतलब, तो कुछ रिजेक्ट हो गया था डॉक्यूमेंट्स की वजह से, तो इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाई थी। तो अब फिर से परी स्कूल जा पाएगी, शायद कल से जा पाए। तो जैसे कल परी स्कूल जाती है तो कल परी का भी ब्लॉग आएगा स्कूल जाते हुए का। तो आप सब लोग मेरे चैनल पर बने रहे। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा तेज है, इतनी तेज है कि सिर्फ मुझे आधा घंटा लगा था बाहर, वहाँ बाहर से यहाँ तक आने में मेरे पसीने आ गए, तक कि गाड़ी पे ही मैं और परी गाड़ी पे थे। तो फिर मुझे इतना पसीना आया कि मैंने हाथ से सबसे पहले मैंने कपड़े चेंज किए, उसके बाद मैंने हाथ मुँह धोया है और फिर से ब्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि गाइस ये देखिए कैसी थी स्कूल, अच्छी थी ना? बताओ सबको कैसी थी स्कूल, अच्छी स्कूल थी? कल से स्कूल जाओगे? तो गाइस शायद कल से ही परी स्कूल जाने लगे, तो देखते हैं शाम से पता चल जाएगा। आज कुछ जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो क्लियर करना है, फिर हमें पता चल जाएगा शाम को कि कल से परी स्कूल जाने वाली है और भाई साहब यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ लेनी है। तो आज का दिन तो थोड़ा बिजी रहने वाला है मेरा, जैसे कल मेरा यूट्यूब के काम की वजह से थोड़ा बिजी रहा था पूरी दोपहर। तो गाइस मिलते हैं कुछ देर बाद, और अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया है, तो अभी ब्रेकफास्ट बन रहा है और अभी समय 7:10 बज चुके हैं, तो ब्रेकफास्ट जो भी बन रहा है वो करेंगे और आपको बताएंगे। तो गाइस ब्रेकफास्ट मुस्कान ने रेडी कर लिए हैं और पास्ता बने हैं, ये देखिए। तो पास्ता का टेस्ट भी करके बताते हैं अभी आपको। तो गाइस मैंने पास्ता का बाइट ले लिया है, ये देखिए मुस्कान ने बनाया है भाई आज पास्ता, और जैसा मुझे पसंद है वैसे ही बनाए। बहुत ही ज्यादा अच्छे बने गाइस, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये देखिए हम सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस मुस्कान ने बनाए हैं आज, और इनको देखो कैसे बने पास्ता, अच्छे अच्छे बने। वाह आप तो कार्तिक ने भी बोल दिया अच्छे बने हैं। तो गाइस एंजॉय करते हैं पास्ता। तो गाइस हमारे कलर पेंट का जो काम था वो कुछ दिनों के लिए रुक गया है, स्टॉप कर। तो गाइस वो काम रुक गया है कुछ दिनों के लिए, तो अभी कुछ दिनों बाद कार्तिक का बर्थडे है, तो हम सब लोग सोच रहे हैं कि इस पलंग जो यहाँ पे बिछाया हुआ है हमने हॉल में, तो उसको खोलना है। तो मैंने ये सब कुछ ले लिया है, ये देखिए पाना वगैरह सब ले लिया है मैंने खोलने के लिए। तो बस अब पलंग को खोलते हैं और पलंग को नीचे लगाते हैं अपने नीचे रूम में। तो चलो ठीक है खोलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं थोड़ा तो मैंने इसको खोल दिया, ये देखिए खोल दिया है मैंने। बहुत ही ज्यादा टाइट है ये। लाइट ऑन करो, पहले निखिल था तो निखिल ने खुलवाया था और निखिल ने लगवाया था यहाँ पे, बट कोई ना लगा लेंगे खोल लेंगे। Thank you.
खोल दिया है मैंने, ये देखिए। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस शाम के 4:30 हो चुके हैं और मुस्कान ने चाय बना ली है फिर से, हमारी वही फेवरेट वाली, तो वो दिखाते हैं अभी आपको। गाइस बस अब इसको एंजॉय करते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी बनी। तो गाइस 7:45 का टाइम हो चुका है और मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है गाइस, तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मौसम हो रहा है। ये देखिए उसका मौसम देखिए, तो गाइस मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है और अभी 7:45 हो चुके हैं पर अभी ऐसा लग रहा है मुस्कान टंकिया भर गई। देखिए पानी जा रहा है भाई, वेस्ट हो रहा है। तो गाइस 7:45 हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि 6 बजे हैं, 7 बजने वाले हैं। तो गाइस कंटिन्यू करते हैं कुछ देर बाद ब्लॉग को। तो गाइस समय 8:30 का हो चुका है और खाना खाए बहुत काफ़ी देर हो चुकी है। ये देखिए नारगढ़ किला कितना प्यारा लग रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा नारगढ़ किला कितना खूबसूरत लग रहा है भाई, लाइटें देखो कितनी प्यारी लग रही है भाई। ये देखिए गाइस मैं और मुस्कान थोड़ा सा वॉक शॉक कर रहे हैं और खाना खाया है हम लोगों ने, काफ़ी देर हो चुकी है। तो गाइस मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है और आज का मतलब दिन ही कुछ ऐसा था, हम सब लोगों ने मतलब क्या है मतलब नीचे की सफाई हुई थी आज हमारी, जैसे मैंने आप सब लोगों को कल के या परसों के ब्लॉग में बताया होगा कि हमारा काम थोड़ा सा रुक गया है, जो कलर पेंट वाला था वो कहीं गया हुआ है, तो इसलिए गाइस तो हम सब लोगों ने सोचा कि बीच में वाले फ्लोर की सफाई की जाए क्योंकि प्लंग को बेड को नीचे शिफ्ट करना था, तो इसलिए उसको नीचे शिफ्ट कर दिया है। फिर भी वो अच्छे से फिट नहीं हुआ है बट कल करते हैं उसको भी अच्छे से फिट। तो नीचे की सफाई वगैरह की तो काफ़ी देर हो चुकी थी उसमें, तो हम सब लोगों ने मतलब बिस्तर वगैरह जो भी थे हमारे ऊपर छत पे सुखा दिए, धूप निकली हुई थी उस वक्त। तो पता है क्या हुआ, अचानक से बारिश आ गई बहुत ही ज़ोरों से 4 बजे, इतनी देर में हम ऊपर छत पे आए बीच के फ्लोर से सीधा ऊपर 2nd फ्लोर पर, तो इतनी देर में हमारे बिस्तर गीले हो चुके थे और जो मेरा मतलब जो गद्दा था सोने का नाइट वाला वो गीला हो चुका है और वो अंदर सूख रहा है, ओढ़ने का था ब्लैंकेट वो भी गीला हो चुका है, तो आज कुछ और लेंगे ओढ़ने के लिए और बिछाने के लिए भी कुछ और लेंगे। और ये था आज का ब्लॉग, आप सब लोग को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे, अच्छे लग रहे तो लाइक करें, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, और मिलते हैं ऐसी नई एक वीडियो के साथ।